हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर डेली क्रिप्टो हिंदी के इस एपिसोड में। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर आप नए हो तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर हम डेली न्यूज़ कवर करते हैं क्रिप्टो को लेकर, अच्छे प्रोजेक्ट्स की। और ये न्यूज़ अगर डेली बेसिस पे आप देख रहे हो, ऑल्दो मैं जानता हूँ कि सब लोग यहाँ पर न्यूज़ देखने आते नहीं, लोग जानना ही नहीं चाहते कि हो क्या रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक कोशिश, एक पहल कर रहा हूँ कम्युनिटी बनाने की, जिसमें लोग जागरूक होंगे और ख़ुद से सीखना शुरू करेंगे और ये न्यूज़ जो हम चलाते हैं वो बहुत आगे जाए। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और टेलीग्राम से भी जुड़ जाओगे यार, वहाँ पर मैं आप लोगों को रोज़ एक समरी देता हूँ मार्केट की, एक न्यूज़लेटर लिख के देता हूँ। तो सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो मुझे आपको बता देनी चाहिए, वो यही है कि मिलेनर व्हेल्स गोबल अप 90,000 बिटकॉइन ओवर द पास्ट 25 डेज। देखिए, एक तो वजीर एक्स की न्यूज़ अभी आज ही आई है कि ड्रग्स से रिलेटेड है, तो उस पर आपको अभी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये है कि वजीर एक्स का थोड़ा स्टेटस डाउन हो गया है जब से ये ड्रग्स वाली न्यूज़ आई है। और मे भी मुझे ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह की नेगेटिव मार्केटिंग हो उसके खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है एक्सचेंजेस को लेकर, तो कुछ भी हो सकता है, बट अब देखते हैं क्या होता है। बेसिकली मिलियनर्स ने यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी बिटकॉइन के मिलियनर वाले वॉलेट्स थे उनसे एक्टिविटी देखी गई, और वो एक्टिविटी ये थी कि उन सब ने मिल के 90,000 बिटकॉइन इकट्ठा किए इन पिछले 25 दिन में, जो कि बहुत बड़ी बात है। कितने रुपए हो गए वो? $367 बिलियन। गाइज, आप समझ सकते हो, $367 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे गए हैं पिछले 25 दिन में, जब लोग यहाँ पर अपना बिटकॉइन सस्ते में बेच के चले जा रहे थे। ट्रेडिंग क्या है? अपना बिटकॉइन सस्ते में बेचता है एक आदमी महंगे पे खरीद लेता है, यही होता है। तो यहाँ पर लोग अपना सस्ते में खरीद के चले गए, उन्हें लगा था बिटकॉइन गिर जाएगा और यहाँ पर लोगों ने बाय कर लिया 367 बिलियन। गाइज, कैन यू बिलीव दैट? इतना बड़ा यहाँ पर डेटा आया है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाननी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये समझ में आता है जो वेल्स हैं बड़े वाले वो नहीं डरते हैं इन सब चीज़ों से, हम लोग डर जाते हैं, और उन्होंने आसानी से यहाँ पे और बाय करते रहे। पैंतेरा के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है, एक फर्म है ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो पैंतेरा के जो सीईओ है उन्होंने कहा क्रिप्टो मार्केट पैनिक इज सबसाइडिंग, यानी जो पैनिक हुआ था मार्केट को लेके वो अब धीरे धीरे स्लो हो रहा है, कम हो रहा है, और नए नए लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं, और धीरे धीरे मार्केट फिर से सही हो रही है, ये इन्होंने कहा है। अब इनके हिसाब से इन्होंने डेथ क्रॉस को देखा है कि नहीं देखा है, क्या चीज़ इनकी है ये नहीं पता, बट इनकी एलालाइजेशन भी बहुत बड़ी, क्योंकि इनका एक इन्वेस्टमेंट फर्म है और ये पूरे डेटा लेके बात कहते हैं, कोई बात ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इनका आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो, पैंतेरा सीईओ आर्टिकल आप पढ़ सकते हो ब्लॉकचेन पे, तो उसे पढ़ना, उसमें इन्होंने बोला है द ईयर ऑन ईयर रिटर्न नेवर वेंट लिटरली ऑफ द चार्ट लाइक इन पास्ट वीक्स, इट्स करेंटली ट्रेडिंग एट 281% ईयर ऑन ईयर विच सीम्स एंटायरली प्लॉजिबल गिवन द मनी प्रिंटिंग दैट हैज अकर्ड इन दैट पीरियड। इन्होंने कहना यह है कि अगर हम हर साल का एक प्रॉफिट लेके चलें तो वो ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से करेंटली पिछले साल इसी टाइम पे जो हमारा बिटकॉइन था वो कुछ $10,000-$5,000 के आसपास था, और अभी भी बिटकॉइन यहाँ से डबल ट्रिपल हो चुका है, ठीक है, तो अभी भी ऊपर ही है। तो जिन्होंने पिछले साल लिया वो अभी भी प्रॉफिट है, तो जो इस समय लेंगे वो अगले साल प्रॉफिट में रहेंगे। कहने का मतलब इनका ये है कि एक साइकिल है, और यहाँ पर ये चाइना करता रहता है ताकि वेल्स यहाँ पर सीधे इसको एक्यूमुलेट कर पाएँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ हो सकती है ये वाली आपके लिए, अगर आप यहाँ पर सीरियस ट्रेडर हो क्रिप्टो में, ठीक है, इन बिलीवर हो। एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये US की सेनेटर हैं एक, इनका नाम है सिंथिया लुमिस, इन्होंने कहा है आई एम ऑल इन ऑन बिटकॉइन। इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन जो है इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज़्यादा मात दे सकता है, और इसके लिए इन्फ्लेमेशन को सही करने के लिए, इन्फ्लेमेशन से सब्जेक्ट भी नहीं है, बिटकॉइन बढ़ता है, आराम से बढ़ता है, क्योंकि वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ, एक कॉन्फ्रेंस हुई है बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस, उसमें इन्होंने बोला है कि बिटकॉइन प्रोवाइडेड अ लेजिटिमेट अल्टरनेटिव स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको पता होगा जब सदियों से मनी की क्या यूज़ थी, मनी पैसा हम किस लिए यूज़ करते थे, एक स्टोर ऑफ वैल्यू जहाँ पर आदमी अपना अपने खुशियाँ अपनी चीज़ें जो है समेट के रख सके, जिसमें वैल्यू कर सके, तो उसे मनी कह दिया, स्टोर ऑफ वैल्यू। दूसरी चीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ आदमी को किसी और से लेना है तो लोगों को पहले क्या होता था, एक बकरी के अलावा एक गाय मिल जाती थी, मतलब चार बकरी के दो तो एक गाय ले लो, ऐसा कुछ होता था, ठीक है, चीज़ें एक्सचेंज करते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने ये देखा कि यार किसी को एक बकरी चाहिए ही नहीं, किसी को बकरियाँ चाहिए ही नहीं, लेकिन उसको गाय भी नहीं चाहिए, अपनी गाय भी बेचनी है, तो ऐसा क्या लाया जाए। तो लोगों ने, अथॉरिटीज़ ने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया जिसको कहते हैं पैसा,
अगर आप किसी और से उसका सामान नहीं लेना चाहते तो आप ये चीज़ ले सकते हो, जिस चीज़ से आप कुछ भी खरीद सकते हो, उसे कहते हैं पैसा, नोट्स। ठीक है, ये हो गया आपका मनी। और इसी तरह से बिटकॉइन को देखा गया कि बिटकॉइन से भी आप यही चीज़ सेम कर सकते हो, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, इसमें वैल्यू है क्योंकि इसको यूज़ किया जाएगा आगे चल के बहुत लंबा, तो एक बड़ी बात है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। मैकलेरेन फार्मूला वन टीम है जो जिसने पार्टनरशिप कर ली टेजोस के साथ। टेजोस आपको पता होगा क्रिप्टो से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, और ये क्रिएट करेगा एनएफटी का एक कलेक्शन, एनएफटी को बनाने वाला है। तो पार्टनरशिप टेजोस नेटवर्क के साथ बताई है इन्होंने, और ये पार्टनरशिप सेकेंड F1 पार्टनरशिप बन गई है टेजोस नेटवर्क के लिए। टेजोस ने अच्छी खासी पार्टनरशिप्स दिखाई हैं पिछले कुछ समय में। ब्रिटिश की फॉर्मूला वन टीम ने अनाउंस किया है कि वो टेजोस के साथ करेंगे ताकि वो NFT बना पाएँ फैंस के लिए, ताकि वो NFT बेच पाए बाद में। ठीक है, ये हो गई एक बड़ी खबर टेजोस को लेके। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और न्यूज़ आई है, वो है NASCAR ड्राइवर लैंडन कैसल टू रिसीव हिज सैलरी इन बिटकॉइन एंड लाइटकॉइन। ठीक है, तो क्रिप्टो इज परमिटिंग द ऑटो रेस इंडस्ट्री विद लैंडन कैसल डंपिंग कोल्ड हार्ड कैश फॉर बिटकॉइन। इन्होंने कहा है कि हमारी जो सैलरी होगी वो हमें बिटकॉइन हो या फिर लाइटकॉइन में दे दिए। देयर इज अ हैंडफुल ऑफ ड्राइवर्स दैट आर इनटू क्रिप्टो, बट आई एम प्रोबेबली वन दैट्स बीन इन इट फॉर लॉन्ग इनफ दैट्स आई एम प्रेटी कंफर्टेबल विद हाउ इट वर्क्स। यानी कि ये बहुत समय से क्रिप्टो में थे कैसल, और इन्होंने कहा है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं अगर मेरी जो सैलरीज हैं वो मिल जाए क्रिप्टो में, यानी कि बिटकॉइन और लाइटकॉइन में अगर मेरी सैलरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये एक बड़ी बात है जो आपको जाननी चाहिए थी, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, US में क्या हो रहा है कि पब्लिक डोनेशंस के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज़ हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ये न्यूज़ आई है, ये एक अच्छी न्यूज़ है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। द NRCC सेड दैट इट विल कलेक्ट ऑल आइडेंटिफाइंग डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल्स हु डोनेट विद क्रिप्टो। उन सबका डेटा लिया जाएगा जो डोनेट करेंगे क्रिप्टो से, और ये एक अच्छी चीज़ है। यूनाइटेड नेशंस नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेशनल कमिटी द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिपब्लिकन इलेक्टोरल एफर्ट्स, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसको देखने के लिए ये होती है रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने कहा है कि ये डोनेशन लेना शुरू कर देंगे बिटकॉइन में, जो कि एक बड़ी खबर है। US में देखिए दो बॉडीज़ ने बोल दिया, एक तो वो सेनेटर की न्यूज़ आई, अब इन्होंने बोल दिया कि ये डोनेशंस लेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि US की रिपब्लिकन जो अथॉरिटी है वो लेगी। ठीक है, एक ये चीज़ होगी जो मुझे आपको बतानी थी। अच्छा, CNBC की एक खबर आई है यहाँ पे, उस खबर में ये बोला गया है कि जो गोल्डमैन सैक्स है वो बिटकॉइन की फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है गैलेक्सी डिजिटल के साथ, और शायद स्टार्ट भी कर दिए। यहाँ पर बोला है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म है गैलेक्सी डिजिटल, जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए। इसको फाउंड किया था माइक नोवोग्राड्स ने, और CNBC ने ये न्यूज़ कवर की है। और इसमें ये बोला है कि गोल्डमैन सैक्स जो है वो हेल्प करेगा हेज फंड्स को, और ताकि वो लोग बिटकॉइन को एक आगे ले जाएं एक कदम। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग बिटकॉइन फ्यूचर्स स्टार्ट कर दी है गोल्डमैन सैक्स ने, और ये बड़ी खबर है क्योंकि गोल्डमैन सैक्स आपको अगर नहीं पता है तो बहुत आज से 100-200 साल पुराना ये एक फर्म है जो आपको जानना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक न्यूज़ आई चाइना को लेकर, चाइनीज़ बैंक्स रोल आउट 3000 ATMs दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल युआन टू कैशेस। तो चाइनीज़ बैंक्स ने कहा है कि ये 3000 ऑटोमेटेड टेलर मशीन बीजिंग में बनाएंगे, जिसमें एक फीचर होगा वो होगा चाइना के डिजिटल युआन को आप कैश में कर सकते हो कन्वर्ट। तो ये तो एक बड़ी बात होगी, ये वैसे ही हो गया जैसे आप अपना कोई भी आपका SBI में बैंक अकाउंट है, आप अपना पैसे कर लेते हो, आपके डिजिटल हो गए, अब उन डिजिटल पैसों को आप निकाल सकते हो बैंक्स में। तो ये हो गया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहली बार क्रिप्टो करेंसी को आप निकाल रहे हो जो कि चाइनीज़ बैंक की सेंट्रल अथॉरिटी का डिजिटल कैश होगा, डिजिटल कॉइन होगा, उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो पैसे में। मतलब अब आप आसानी से फॉरेन से कहीं से भी डिजिटल युआन मंगाओ और उसको कन्वर्ट कर लो अपने कैश में, इस तरह से ये होगा। तो 3000 ATMs ऐसे सेटअप किए जा रहे हैं जो कि बड़ी खबर है, और ये चाइना जो है ना, चाइना बहुत आगे निकल रहा है ब्लॉकचेन में, वो भी बैन करके क्रिप्टो को। ये आप देख रहे होगे, आपने नोटिस किया होगा अगर आप हमारा देख रहे हो इतने समय से न्यूज़, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि चाइना कितना चालाक निकला, ब्लॉकचेन का पूरा फ़ायदा उठा रहा है, बस अपनी क्रिप्टो को आगे ले जाना है और किसी और कुछ नहीं, और कुछ अनेबल ही नहीं करना है, लोगों को मौका ही नहीं देना है, माइनर्स के नाक में दम कर दिया सब कुछ। US क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रेकन आइंग पब्लिक लिस्टिंग, ये खबर मैंने कल भी कवर की थी आपके सामने,
इसमें क्या है, जो क्रेकन नेटवर्क है, क्रेकन एक कंपटीशन में है कॉइनबेस प्रो के, आप जानते हो कि कॉइनबेस का एक कंपटीशन और क्रेकन का इंटरफेस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, तो क्रेकन भी यहाँ पर पब्लिक होने वाला है, यानी कि इसके भी शेयर्स आएंगे और इसकी भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और इससे क्या होगी, इसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको पता होगा कॉइनबेस की भी यहाँ पर कुछ पहले समय पहले आई थी न्यूज़ और वो अब पब्लिक हो गया और ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आसानी से $19 trillion फर्म्स हैव बॉट बिटकॉइन, डिजिटल एसेट मैनेजर रिवील्स व्हाई। $19 trillion जो टोटल मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है, $6.5 billion बिटकॉइन में, पेइंग एन इनिशियल सम ऑफ $4.3 billion, यानी कि टोटल 6.5 है और शुरुआत में जो जमा किया था वो 4.3 बिलियन था। 19 पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं। ठीक है, ये एक नई रिसर्च आई है जिसमें निकल डिजिटल एसेट मैनेजमेंट ने बताया है 2018 में, और इसमें क्या है, क्या बताया गया कि हाँ, हु आर सीकिंग रिफ्यूज फ्रॉम लूज मॉनिटरी पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड सेज इट्स बिटकॉइन इट इज़ बिटकॉइंस ट्रांसपेरेंट एंड डिफाइंड मॉनिटरी पॉलिसी डेट कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर। कह रहे हैं कि बिटकॉइन बहुत ट्रांसपेरेंट है, उसमें चीज़ें पता चलती हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी से किसी से पूछना नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती, तो इसमें इनको प्रॉब्लम कम आती है। तो भी इन्वेस्टर्स हैं ये बड़ी बड़ी पब्लिकली जो ट्रेड हो रही हैं कंपनीज, उन्होंने यहाँ पर 19 ट्रिलियन का वर्थ जो है वो यहाँ पर उनकी थी और उन्होंने यहाँ पर 6.5 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है बिटकॉइन में। ये एक बड़ी चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़। और अगर आपको यहाँ पर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपको और बता देनी है, ये एक आर्टिकल है जो उन्हीं का आर्टिकल है जिनका मैंने आपको बताया था कि उन्होंने यहाँ पर बोला है, जो पेंटेरा के CEO हैं उन्होंने बोला था कि बिटकॉइन का सेल ऑफ खत्म हो चुका है। वो क्या बता रहे हैं, मेन चीज़ इसमें चाइना की बैन की बिटकॉइन की आई चीज़, फिर टैक्स डे की आया जो बाइडेन का टैक्स वाला था, फिर एलन मस्क का कुछ आया था यहाँ पर। ठीक है, एलन मस्क ने यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे किया, तो मोस्ट वॉलेटाइल वीक जो था मई 17 वाला वीक जो था वो लार्जेस्ट वीकली ट्रेडिंग रेंज थी बिटकॉइन को लेके। 17 मई के जो वीक शुरू हुआ था उस वीक में बहुत चीज़ें हुई थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, आई फील लाइक वी हैव सीन दिस मूवी बिफोर, यानी कि चाइना ने क्रिप्टो बैन किया। ये देखिए आर्टिकल्स दिए हुए हैं, चाइना बैन फाइनेंशियल कंपनीज फ्रॉम बिटकॉइन ट्रांजेक्शन, ये ब्लूमबर्ग में छपा था 2013 में, गौर से देखिएगा, चाइना बैन बैंक फ्रॉम बिटकॉइन ट्रांजेक्शन, ये FT में छपा था दिसंबर 2013 में, 2017 में फिर छपा बिटकॉइन ड्रॉप 500 आफ्टर मोर रिपोर्ट चाइना विल बैन क्रिप्टो एक्सचेंज। कितनी बार चाइना बैन करेगा भैया, तो ये चीज़ है जो आपको बतानी थी मुझे। ठीक है, रिटर्न सिंस चाइना बैन डिसरप्टिव टेक, तो यहाँ पर चाइना ने जब बैन किया है तो देखिए आप, हर टेक ने यहाँ पर रिटर्न अच्छे ला के दिए, ये एक बड़ी बात है। ट्विटर बैन हुआ 4000% उसके बाद उठ गया, फेसबुक बैन हुआ 14000 उठ गया, गूगल 732% उठा, तो हर चीज़ ने अच्छा खासे यहाँ पर रिटर्न ला के दिए। तो इस आर्टिकल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके पढ़ सकते हो pantera.capital.com/blockchain/letter/human-nature-is-so-procyclical। तो ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी। तो आई होप आपको आज का अच्छा लगा होगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।